जन्मदिन पर पनवेल में प्लाज्मा डोनेशन रक्तदान शिविर, सैकड़ों कार्यकर्ताओं नागरिकों ने लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज पनवेल में कोरोना मरीजों को बचाने प्लाज्मा डोनेशन एवं मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा के रायगढ़ उत्तर जिलाध्यक्ष प्रशांत ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने खुद अपना प्लाज्मा दान किया। इसके साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भी रक्तदान कर अपने चहेते नेता और प्रधानमंत्री को शुभ सौगात दी। इस अवसर पर उत्तर रायगढ़ जिलाध्यक्ष विधायक प्रशांत ठाकुर एवं अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बिना थके दिन रात कोरोना को भगाने और देश की जनता के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। रायगढ़ भाजपा का यह शिविर उनके मिशन को मजबूत करने के साथ ही उनके जन्मदिन पर शुभकामनाओं की छोटी सी सौगात है। आपण सर्वजण लाख लाख शुभेच्छा देऊया। खरं तर जन्मापासून या मातृभूमीवरती प्रेम करत करत स्वतःचं म्हणजे आपण म्हणूया की लोखंड हे तप्त होतं आणि त्याच्यातूनच खऱ्या अर्थानं पोलाद घडतं असा आपला हा पोलादी नेता की ज्यांनी खऱ्या अर्थानं जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली त्या संधीचं सोनं करत करत गेले। गुजरातचं मुख्यमंत्री पद असू द्या किंवा आता देशाचं पंतप्रधान पद असू द्या, या सगळ्याच्या माध्यमातून आपल्याला जी संधी मिळाली त्या संधीच्या आधारे मी त्याचं काहीतरी सोनं करून दाखवीन या ईर्षेनं पेटत स्वतःचे आयुष्य एका अर्थानं समर्पित करत काम करतात। अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टी ही अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचते। कोरोनाच्या सगळ्या कालावधीमध्ये मग ते अन्नदानाचं वाटप असू द्या, शिधा सामग्रीचं वाटप असू द्या, मजुरांना मदत करण्याच्या संदर्भातलं असू द्या, आपण वेगवेगळ्या वेळेला लोकांना हॉस्पिटलसाठी मदत करणं असू द्या, त्यांना आपण ज्या वेळेला होमिओपॅथी गोळ्यांचं वाटप करायचं होतं असं निकालो त्यांचं वाटप असू द्या, भाजीपाला, गॅस सिलेंडर, किराणा सामान जे जे म्हणून मदत करण्यासाठी आपल्याला शक्य ते करण्याचा आपण या कोरोनाच्या संक्रमणाच्या कालावधीमध्ये प्रयत्न केला आहे। बता दें कि रायगढ़ भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह चला रही है। संकल्प ही सेवा अभियान के अंतर्गत नागरिकों के लिए फ्री आई चेकअप, चश्मा वितरण, खाद्यान्न वितरण और रक्तदान व सहायता शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।